आइए मैं आप लोग को अंदर ले जा रहा हूँ। 12 घंटे क्लास करने के बाद सर कैसा फील कर रहे हैं, आइए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ सर इस समय क्या कर रहे हैं और जो ये 12 घंटे का क्लास लिए हैं उसके बाद क्या है। देखिए यहाँ पे सर सोए हुए हैं, हमें लगता है कि सोए हैं कि बेहोश हुए हैं, थके हुए हैं। आइए मैं सर को जगाता हूँ, देखिए क्या होता है। हेलो सर, सर क्या हुआ, मतलब 12 घंटे क्लास के बाद क्या मतलब क्या हो गया सर? कुछ नहीं, बस बच्चों का प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए, मेरी 12 घंटे की मेहनत सफल हो जाए। आज मैंने पूरे दिन भूखे प्यासे रह के 12 घंटे क्लास लिया है और अपने कैमूर के बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर दृढ़ इच्छा हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ पे आप हासिल कर सकते हैं। और ये 12 घंटे क्लास के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है सर। आप कैमरे पे से आने के बाद यहीं पर डायरेक्ट गिरे? एकदम, मतलब अभी हालत नहीं है मेरी कि मैं खड़ा हो सकूँ अभी, क्योंकि 12 घंटे के बाद पैर और कमर की पूरी हालत बुरी पड़ी है, पैर में हल्के सूजन से भी हो रहे हैं। और 12 घंटे का क्लास सच में एक अपने आप में चैलेंज था ना सर? ये चैलेंज के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो तो दुनिया की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आज मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लास्ट में भी जाते जाते बहुत डर लगा, लेकिन अभी क्लास संभव हुआ और ये बच्चों का प्यार और दुआ है। और मैं बच्चों से ये कहूँगा अपनी दुआएं प्यार बनाए रखें, वीडियो को मैक्सिमम देखें और बच्चों तक शेयर करें ताकि मेरी मेहनत जो है 12 घंटे की सफल हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं सर ने आपके लिए कितना मेहनत किया और यहाँ पे देखिए क्लास के बाद सर यहाँ पे गिर चुके हैं और सोच सकते हैं कि कोई लोग 1-2 घंटे खड़े रहने में उनकी क्या स्थिति रहती है। और सर 12 घंटे लगातार आप लोग के सामने कैमरे के सामने खड़े थे, उसके बावजूद भी सर अभी सही सलामत हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सर को, तो आप लोग अपना दुआ बनाए रखें सर पे और हो सके तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सर के लिए। थैंक यू सो मच।